नमस्ते प्यारे छात्रों एवं मेरे मित्रों, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल विदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। 8, 9 और 10 इनका अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आइए श्लोक संख्या 7 से हम आरंभ करते हैं। पुनः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधाद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदीतिस्तथैव च अन्येतः बहवः सुराः मदर्थी त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः अप्राप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् प्राप्तं त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अब मैं अकेले पढ़ रहा हूँ, आप इसे अपने कॉपी पर हाथ रख करके आप इसे सुनेंगे और मन में दोहराएंगे। मैं केवल बोलूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधाद्युत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिति भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदीतिस्तथैव च अन्ये च बहवः सूरा मदर्थी त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अप्राप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् अप्राप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अप्राप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं प्राप्तं त्रिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात इनका अर्थ कुछ इस प्रकार है, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरे सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, भीष्म तथा कर्ण और संग्राम के विजयी मतलब जितने भी युद्ध हुए सब में सबको जीत लेने वाले कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्यागने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इस प्रकार से संजय अपने
जो राजा हैं धृतराष्ट्र उनको बताते हैं और समझाते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो कोई भी युद्ध में उपस्थित हैं सभी के सभी हमारे अनुकूल हैं और सभी हमारे लिए ही हैं, अतः जीत हमारी सुनिश्चित है। इस प्रकार का वो धैर्य साहस बढ़ाते हैं। तो आगे हम लोग श्लोक संख्या 11 से लेकर के 15 तक का अध्ययन करेंगे। 11 से 14 तक हम लोग इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धपितामहः। सिंहनादं विनोद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मुलोभवत् ततः स्वीतैर्हरैर्युक्ते महति चन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। अब मैं केवल स्वयं बोलूँगा, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः। सिंहनादं विनादोच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवाणको गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त्यस शब्दस्तु मुलोभवत् ततः स्वेतैर्हैर्युक्ते महति चन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः। अगले दिन श्री कृष्ण ने कौन से शंख बजाए, अर्जुन ने कौन से शंख बजाए, उसका अध्ययन करेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। 14 श्लोक तक यानी 14वें श्लोक तक आप सभी को याद कर लेना है।